नमस्कार मित्रों मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही विशेष विषय पर। हमारा नया चैनल गुरु ज्ञानम ज्योतिष और वास्तु आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें। हर रोज हम नई जानकारियां ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित आपको देते हैं, विशेष उपाय आपको बताते हैं, ऐसे उपाय जो आपने आज तक ना तो सुने होंगे ना कभी पढ़े होंगे। ये गुप्त ज्ञान गुरु के द्वारा बताए गए उपाय मैं आपको बताता हूं, आप इसे फॉलो करें, औरों को भी बताएं। मित्रों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है विदेशों में रहने वाले जो हमारे भाई हमारी बहनें हैं और उनको वहां पर जॉब नहीं मिलती है, उनकी नौकरी में बाधा आती है या थोड़े समय के लिए कुछ कार्य मिलता है, उसके बाद काफी समय तक उनको फ्री रहना पड़ता है, जिससे उन्हें सर्वाइव करने में, वहां रहने में बड़ी ही परेशानियां आ रही हैं। उनके लिए, उन बच्चों के लिए, उन भाई बहनों के लिए ये विशेष उपाय है। ये विशेष उपाय आप यदि श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपको अवश्य ही अच्छी जॉब मिलेगी। परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी आप यदि कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ आप यदि अपनी कुंडली दिखा करके अपना विश्लेषण जानना चाहते हैं, वर्ष फल जानना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें दिखा सकते हैं। तो मित्रों, ये जो विदेश यात्रा का जो परेशानी जिन लोगों को है, जो जाना चाहते हैं, उनको अड़चन है, उनके लिए भी हमने विशेष उपाय दे रखे हैं, वो भी आप जरूर देख सकते हैं। YouTube पर सर्च कर सकते हैं पंडित रोहित शर्मा विदेश यात्रा के उपाय, तो आपको जो आज उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो विदेश में बैठे हैं भाई बहने वो करें। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक तो लॉन्ग लेकर के आने हैं। मार्केट से आराम से लॉन्ग हर जगह मिल जाते हैं, पूरे विश्व में मिलते हैं, तो एक बार के लिए 7 लॉन्ग आपने लेने हैं। 4 तांबे के चकोर टुकड़े लेने हैं, तांबे आप कॉपर के पीसेस, 4 आप चकोर कहीं से भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक बूरा चीनी, जो देसी चीनी होती है, वो लेनी है। अगर बूरा चीनी आपके पास नहीं भी है तो आप जो बड़े मोटी चीनी होती है उसे बारीक पीस लें तो वो बूरा चीनी बन जाएगी। एक नारियल का खोल लें, जो नारियल का गुट जिसे बोलते हैं वो लें, उसके ऊपर छेद करें बड़ा सारा, उसमें आपको चीनी डाल लेनी है। 4 तांबे के चकोर टुकड़े डाल देने हैं और साथ में आपको गोमती चक्कर लेने हैं। अब गोमती चक्कर आपको कहां से मिलेंगे, या तो आप ये गोमती चक्कर हमसे मंगवा लें या ये गोमती चक्र आप वहीं से पता करेंगे तो पूजा सामग्री की दुकान पर भी मिल जाएंगे। तो उसके अंदर ये गोमती चक्र, चीनी और तांबे के चकोर टुकड़े, ये आपको डालने हैं। डालने के बाद आपको करीबन शाम को, वहां के हिसाब से जो भी शाम का समय हो, 7 बजे के करीब जाना है, जबकि संध्या काल होता है, सूरज जब छिपने लगता है उस समय जाना है। बिल्कुल अंधेरा भी ना हो और बिल्कुल उजाला भी ना हो, उस समय ये संध्या काल में उपाय करना है। मित्रों, ये विशेष ध्यान रखना। एक जहां पर आपकी कर्म भूमि है, कर्म भूमि जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं, काम की तलाश में है, उस शहर में, उस क्षेत्र में, कहीं पर भी ऐसी जगह, ऐसा पार्क, ऐसी खाली जगह देखें जहां पर कच्ची भूमि हो, उसे आप खोद पाएं या किसी पेड़ के नीचे खड्डा करें करीबन 1 फीट का, और वो नारियल जिसके अंदर आपने ये सामग्री डाली है, इसको आपने दबा करके आना है और प्रार्थना करनी है कि मैं इस शहर में, इस देश में आया हूं और यहीं पर बसना चाहता हूं, इसलिए मुझे अच्छी नौकरी मिले, मेरा व्यवसाय अच्छा चले यहां पर और किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए इसे जमीन में दबा देना है। और एक विशेष मणि आती है
जिसका नाम है मुक्तामणि। इस मुक्तामणि को आपने गले में धारण करना है। ये मुक्तामणि आपको हमारी संस्था से मिल जाएगी या अन्य सोर्स से अगर आप कहीं मिलती है तो आप ले सकते हैं। इसे चांदी की चेन में डालकर आपको गले में धारण करना है या आप लाल धागे में भी इसे धारण कर सकते हैं। मित्रों, मात्र इतने से उपाय से आपको बहुत लाभ होगा, बहुत सी समस्याएं आपकी दूर होंगी। विदेश में रहने का सपना, वहां पर अच्छी इनकम का सोर्स मिलना और वहीं पर सेटल होना, ये तीनों ही समस्याएं एक ही उपाय से ठीक होंगी। ये उपाय आप महीने में एक बार दोहरा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये उपाय 5 बार करना है, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ये उपाय करना है उससे पहले मुक्तामणि आपको गले में धारण करनी बहुत आवश्यक है, इसलिए पहले मुक्तामणि जरूर मंगवा लें। धन्यवाद। जय माता दी।